धर्म खरवंदा दिल्ली से। मेरा कजन ब्रदर है। हुआ सर ऐसे है, कल रात को अच्छा खासा हमारे घर का फैमिली फंक्शन चल रहा था। हमारे कजन भाई की शादी थी आज की, तो कल रात को 12 बजे 1 बजे के आसपास सारा अच्छे से फंक्शन चल रहा था। कुछ अब पैकअप हो रहा था, तो लास्ट में एक ईशांत जो अभी नहीं रहा इस दुनिया में, वो और उसके एक दो फ्रेंड्स जो हैं वो सब पैकअप करवा रहे थे सारा अपना हलवाइयों का और इस सब का चीज़ था ना, पैकअप करवा के। तो सबसे लास्ट में वो ही रह गए थे 4-5 लोग। हम सारे फैमिली मेम्बर्स घर आ गए थे, सारा प्रोग्राम बहुत अच्छे से चल रहा था, बहुत अच्छे से नाच गा रहे थे। बट जैसे ही 1 बजे के आसपास हम सब लोग घर आ गए, वो पीछे रह गए, तो अचानक ही एक लड़का भागता हुआ आया, कह रहा झगड़ा हो गया। हमने सोचा शायद चलो कोई बात नहीं, फैमिलीज में हो जाता है। तो बट लेकिन एकदम से पता चला कि हमारा जो भाई है ईशान, वो 2-3 लड़के आए तो पीछे से उनके 2-3 लड़के और आ गए। पहले 2 लड़के आए, फिर पीछे से 3 लड़के और आए बाइक पे, तो उन्होंने उसके ऊपर अटैक किया उसके छाती पे। अब ईश्वर जानते क्या उन्होंने कोई हथियार मारा या क्या चीज़ उन्होंने उस पर मारी, तो चेस्ट पे उसके एकदम उन्होंने, एक हमारा एक दूसरा भाई है कजन भाई तरुण, उसके भी यहाँ पे पूरा उन्होंने चक्कू से अटैक किया उन्होंने। तो सिर्फ आके ज़बरदस्ती आपस में उन्होंने, पता नहीं कौन लोग थे, कहाँ से आए थे, क्या उनका मकसद था, तो वो आए और जैसे पीटू मैं हुई हमारे एक भाई को, उन्होंने यहाँ पे पेट में उन्होंने अच्छे से चक्कू से अटैक किया छुरी से, और दूसरा भाई जो है उसको चेस्ट पे एकदम से उन्होंने अटैक किया। तो एकदम से उसके बाद हमारे को कुछ आंखों के आगे एकदम अंधेरा आ गया, हमें पता ही नहीं चला कि हुआ क्या उसको। और हम उसको अफरा तफरी में लेके गए PGI में, तो वहाँ पे डॉक्टर ने कहा कि आप बहुत लेट हो गए, इसके छाती पे उन्होंने बहुत किसी अत्यंत नुकीले चीज़ से, हथियार से उन्होंने हमला किया। जी सर, क्या सूचना मिली? झगड़े की सूचना मिली थी डायरी मोहल्ला, वहाँ पर पुलिस पहुँची, वहाँ पता चला अगर 5 लड़के आए थे, 2 बाइकों पर, और उन्होंने 2 आदमियों को चक्कू मारा, उनको लेकर मेडिकल गए हैं। वहाँ से फिर सूचना मिली थी उनमें से एक आदमी मृत्यु हो चुकी है, तो दूसरा दाखिल है, इस संबंध में FIR दर्ज कर ली गई है, आरोपियों को जल्दी जल्दी गिरफ्तार किया। कोई शनाख्त नहीं हो पाई है, जल्द से जल्द हमें गिरफ्तार।